हमारा देश, हमारा शहर, हमारा समाज ही हमारी खबरें बनाता है। हम हमारे समाज में हो रहे घटनाओं को आपसे रूबरू कराते हैं और आपका ध्यान आपके अपने कर्तव्यों के प्रति भी करवाते हैं, क्योंकि सिर्फ खबरें दिखाना ही हमारा मकसद नहीं है। मकसद है कुछ तो बदलाव आए। आइए देखते हैं आज की खबरें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मैं, स्वागत करता हूँ न्यूज प्लस में। यूपी के गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की कथित हत्या के मामले में रविवार को कार्रवाई हुई है। पुलिस ने दो आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए एक आरोपी का नाम इंस्पेक्टर जेएन सिंह और दूसरे का नाम एसआई अक्षय मिश्रा है। दोनों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या में नामजद रामगढ़ ताल थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और दरोगा अक्षय मिश्रा को रविवार देर शाम गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों कोर्ट में आत्मसमर्पण करने की फिराक में थे। वारदात से 13 दिन बाद गिरफ्तार किए गए दोनों मुख्य आरोपियों से थाने में देर रात तक करीब 6.5 घंटे पूछताछ की गई। इस दौरान आरोपी खुद को बेगुनाह ही बताते रहे, हालांकि कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए और चुप्पी साधे रहे। देर रात जिला अस्पताल से डॉक्टरों की टीम थाने में बुलाई गई और हत्यारोपियों का मेडिकल कराया गया। रात 11:30 बजे के बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन और फास्ट ट्रैक कोर्ट अमित कुमार की अदालत में आरोपियों को पेश किया गया, जहां से रात करीब 12:50 पर आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। दोनों को अन्य कैदी व बंदियों से अलग मंडलीय कारागार के नेहरू बैरक में रखा गया है। मंडलीय कारागार के बाहर भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं कारोबारी की हत्या में नामजद दरोगा विजय यादव, राहुल दुबे, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव व कांस्टेबल प्रशांत कुमार अभी पुलिस की पकड़ से काफ़ी दूर हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ कानपुर, एसआईटी व गोरखपुर पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। सभी आरोपी 1-1 लाख रुपए के इनामी हैं। स्पेशल डेस्क। कानपुर में मेट्रो के पहले कॉरिडोर का काम लगभग खत्म होने की कगार पर है। वहीं अब मेट्रो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन के निर्माण की ओर बढ़ गई है। कानपुर में मेट्रो जमीन के 21 मीटर नीचे चलेगी। आज नवीन मार्केट अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के काम का शुभारंभ हुआ। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी कुमार केशव ने पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। चुनीगंज से नयागंज चौक 4 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों का निर्माण होना है। दिसंबर में टनल बनाने वाली टनल बोरिंग मशीन से टनल बनने का काम शुरू होगा। अब इस मशीन को जमीन के अंदर ले जाने के लिए रास्ता बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। टनल बनाने के पहले मेट्रो स्टेशन के लिए डायफ्राम वॉल बनाने का काम शुरू हो गया है। वहीं यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी कुमार केशव ने कहा है कि आईआईटी से मोती झील तक मेट्रो का ट्रायल रन 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा। जनवरी से इसे यात्रियों के लिए खोले जाने की योजना बनाई जा रही है। आज जो हम लोग ने अंडरग्राउंड के जो स्टेशंस हैं, ये टॉप डाउन कहलाते हैं, तो इनको डायफ्राम वॉल कहता है। ये फर्स्ट डायफ्राम वॉल है जो 22 मीटर हाई है और करीब 5 मीटर चौड़ी है, और ऐसी 105 इसमें डायफ्राम वॉल टोटल बनेगी एक स्टेशन में। तो आज हम लोग ने अंडरग्राउंड की जो पहली डायफ्राम वॉल है, अंडरग्राउंड स्टेशन का जो कंस्ट्रक्शन है, आज वो हमने स्टार्ट किया नवीन मार्केट स्टेशन पर, और ग्रेजुअली हमको चारों स्टेशन पर ये काम करना है। और ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने अंडरग्राउंड का वर्क पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि हमने जो कास्टिंग यार्ड सेटअप किया है जिसके अंदर हमारा टनल सेगमेंट बन रहे हैं, आज वो फर्स्ट सेगमेंट भी वहाँ कास्ट हो जाएगा। पूरी कास्टिंग यार्ड सेटअप है ऑलरेडी, और अल्टीमेटली इसी स्टेशन से हम टनल बोरिंग मशीन को लोअर करेंगे, जहाँ से टनल बोरिंग काम शुरू होगा। उसमें करीब 4 से 5 महीने लगेंगे। अभी पहले स्टेशन का वो शाफ्ट बनेगा, फिर वहाँ से टनल बोरिंग लोअर होना शुरू होगा। तो ये थी अब तक की खबरें। हमें विश्वास है कि आप इन खबरों को देखकर जरूर ये सोचेंगे कि हमारा फर्ज भी कुछ है, क्या क्या हमने भी देश के लिए कुछ करना होगा या फिर सब सरकार करेगी। सोचिए और देखते रहिए न्यूज प्लस, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए न्यूज प्लस 24/7 को सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।